वैष्णवी के भाग्य, वैष्णवी के भाग्य में सिर्फ इस घर का पता, सिर्फ इस घर का पता था। ये घर कहाँ था, ये घर कहाँ था? हमारे घर ये जो खुशी आई, ये जो खुशी आई वैष्णवी की वजह से। ये भी कहो, ये मुझे ना तो आपने उसे अपने घर में जगह दी, ना ही दिल में, ना ही दिल में, ना ही। तुम्हारी जिद ने मेरी श्रद्धा की जान तो ले ली, अब शायद तुम्हारी जिद मेरी बच्ची को निशाना बनाने में लगी है। और मेरी अनुपस्थिति में सिर्फ तुम और तुम बच्ची की देखभाल करोगे। इसके अलावा कोई तीसरा मेरी बच्ची के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। बिना लहसुन और प्याज की सब्जी जैसे माँ बनाती थी। मैंने कहा था तुझसे बनाने के लिए। लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया बाबूजी। मर नहीं जाऊंगा, एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो। कपड़े गंदे पड़े रहते हैं, क्या होता? कम से कम तुम्हारा सामना तो नहीं करना पड़ता। जानता था एक ना एक दिन तू अपने जा रही खाई, तू अपने जा रही खाई, तू अपने जा रही खाई। सच तो ये है पापा कि आप दीदी को नहीं पहचानते, कि दीदी आपसे मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करती है। वैष्णवी माता रानी, वैष्णवी माता रानी का आशीर्वाद था, आशीर्वाद जो आपके घर खुद चल के, आपके घर खुद चल के, आपके घर खुद चल के अपने घर आई, अपने घर आई। माता रानी की इस बेटी, माता रानी की इस बेटी को पहचानी, बेटी को पहचानी, बेटी को पहचानी। आज तक माता रानी के सिवा ये हाथ किसी के सामने नहीं जुड़े हैं, लेकिन आज तेरे ये बाबूजी हाथ जोड़कर तुझसे विनती करते हैं, लौटा बेटा, अपने घर लौटा। बहुत लज्जित महसूस कर रहा हूं। इतने साल
माता रानी की सेवा करने के बाद भी घर में बसी इस देवी को मैं पहचान नहीं पाया। शायद कल माता रानी के दरबार में खड़ा हो नहीं पाऊंगा मैं। उसके लिए मेरे पाप शायद क्षमा के लायक न हो, लेकिन तू मेरी बेटी है ना, अपने बाबूजी को क्षमा करेगी ना बेटा? अपने बाबूजी को क्षमा करेगी ना? पूरा बदनवा कह रहा है सोनाक्षी मेरी बेटी नहीं तुम्हारी बेटी है ना? वो तेरी बहन है, लेकिन तू बचपन में ही उसकी माँ बन गई थी। बस अभी कल उसकी शादी है, सजाना है बेटा उसे, दुल्हन बनाना है, बहुत से काम है। मैंने 20 सालों में तुम्हें बस सजा ही दी है और कुछ नहीं दिया, लेकिन आज सोनाक्षी के विदाई का अधिकार तुम्हें दे रहा हूं। हाँ बेटा, चलो मेरा बेटा, क्षमा कर दो अपने बाबूजी को। बाबूजी, हमें सोनाक्षी की शादी वहां करनी चाहिए जहां वो चाहती है। उसे विदा करके हमें उसे दुख में नहीं ढकेलना चाहिए। बेटा नहीं, क्यों बेटा? मैंने सोनाक्षी को जब जब सुख देना चाहा, वो दुख में बदल गया। कहां कहां शादी करना चाहती हो? बाबूजी, मेरी आपसे एक विनती है, आप सोनाक्षी से चलकर एक बार उसके दिल की बात जान लीजिए, बस एक बार बाबूजी, एक बार। कहीं उसके दिल को पहचानने में मैंने देर तो नहीं कर दी? बाबूजी, हमें अपना कर्म करना है और बाकी माता की मर्जी। चलिए, सोनाक्षी, वैष्णवी बेटा, वो बैग यही रखती है? बैग यही है? कपड़े भी नहीं है उसके? सब सामान कहाँ है उसका? सामान वैष्णवी वो चली गई है, सोनाक्षी के घर से होकर चली गई है। बाबूजी, 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 सोनाक्षी, thank you.
बाबूजी, कुछ पता चला? नहीं बेटा, बेटा और ऐसी कोई जगह है जहाँ जहाँ हम सोनाक्षी को ढूंढ सकते हैं? सच जो हो रहा है शायद माता रानी भी यही चाहती थी, वरना ना वो तुम्हारा फोन आता और ना तुमसे बात हो पाती। वंश, ये शादी तो मैं भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरा पास चले तो मैं आज ही इस घर से भाग जाऊँ। पर पता नहीं ना कि वो इन दिनों कहाँ पर है। वो मैं अपने कॉन्टैक्ट से पता लगा लूंगा। उसका पता लगाने का जिम्मा मेरा। इस प्लान के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तुम तैयारियां शुरू कर दो, मुझे रास्ता नजर आ रहा है। पंडित जी, आप इधर इस वक्त क्या हुआ? अब्दुल, ये बात मेरे, तुम्हारे, गुलफाम और वैष्णवी के अलावा और कोई नहीं जानता। सोनाक्षी घर छोड़कर भाग गई। क्या? उसे ये शादी नहीं करनी थी, किसी और से प्यार करती थी वो। अगर ये बात हम चारों के अलावा किसी और को पता चली तो मैं नहीं। पंडित जी, आप फिक्र मत करिए, मुझ पर भरोसा रखिए आप। हम सोनाक्षी को ढूंढ निकालेंगे। ये लो, बात करो। कौन है? योर डैड। व्हाट? यप। हे सोनाक्षी। संदीप, तुमने तो मुझे डराई दिया। संदीप, संदीप, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुमसे दूर नहीं रह सकती मैं। हाँ, कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दिल को सलामत रखने का, बड़ी मेहरबानी मुझ पर इस कदर यकीन करने का। तुमने जो किया है इसके लिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? अब तुम्हारे दो नहीं, तीन बच्चे होंगे। इतना लंबा चौड़ा प्लान फोन पे तो पूरा नहीं हो सकता ना, उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, तुम कब आ रहे हो? संदीप,
कुछ पलों के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया है। लेकिन अब लगता है ना कि जिंदगी में सब कुछ पा लिया। वंश, यहाँ हो ना। संदीप, as you know, he's Vansh. Hi, buddy. Hi, buddy. अगर आज ये नहीं होते तो शायद आज और जिंदगी भर हम कभी साथ नहीं हो पाते। वैसे एक बात बताऊं, प्यार के सामने किसी का बस नहीं चलता। एक्चुअली किसी चीज की अहमियत ही नहीं होती। वैसे भी जिंदगी उसी के साथ बितानी चाहिए जिससे तुम जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत करते हो। और मुझे खुशी है कि मैं आप दोनों के इस खूबसूरत पल में शामिल हूं। एक्चुअली ये मेरी जिंदगी का पहला पुण्य है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तू तो बड़ा खुश नजर आ रही शादी से। हाँ, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि शादी होने नहीं वाली है। क्या? Now it's time to pack your bags, mom. घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? समधी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं किस मुंह से आपके सामने आऊं? मेरी बेटी घर छोड़कर भाग गई है। हेलो बाबूजी, पैरी पोना, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो फिर आप इतनी धीमी आवाज में बात क्यों कर रहे हैं? हम मॉम से बात कराऊं? नहीं, डैड से। ओके, बात कराता हूं डैड से। डैड! या वंश। डैड, विद्यासागर जी का फोन है। ओके, मैं नीचे आता हूं। जी पंडित जी, जय माता दी। व्हाट, ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं भी आता हूं। क्यों जी, सब ठीक तो है? वो Poor dad. आपको एक बात बताऊं मॉम, मैंने तो अपना सामान भी अनपैक नहीं किया था। इतना कॉन्फिडेंट मत हो बेटा, पहले तुम्हारी डैड की और विद्यासागर जी की मीटिंग का रिजल्ट तो आने दो। Oh, come on, mom. It's just a condolence meeting. तुम तुम्हारे डैडी को नहीं जानते बेटा, वो इतने सरल नहीं है जितना कि तुम समझते हो। ये क्या दिन दिखा रही हो बा? क्यों कठिनाइयों में ढकेल रही हो मुझे? आज का दिन दिखाने से तो कई आसान मौत है बा। सोनाक्षी की भागने की खबर भदरवा में पहले मुझे उठा लो बा। हिम्मत नहीं है शील जी का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझे। और वो यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। माँ, आज तक गर्दन क्या, ये नजरे भी किसी के सामने झुकी नहीं है, लेकिन आज लेकर अपना सर काट कर
शील जी के पैरों में रख रहे हो। नहीं, मैं ऐसा दिन हरगिज नहीं आने दूंगी जिस दिन मेरे बाबूजी को किसी के सामने सर झुकाना पड़े। बाबूजी, आप अपनी इन कठिनाइयों में अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए। मैं आपकी गर्दन झुकने नहीं दूंगी बाबूजी। सील जी पहुंचने वाले हैं बेटा, क्या क्या कहूंगा उनसे? मेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई। आप बारात वापस ले जाइए, ये कहूंगा मैं उनसे। नहीं बाबूजी, बारात वापस नहीं जाएगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते। बारात डोली में आपकी बेटी को बिठा कर ले जाएगी। सर्वमंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके शरण ने त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। बारात डोली में आपकी बेटी को बिठा कर ले जाएगी।